जीवन साडे हवाले कीता है, इसनों वर्त
इधर प्रयोग कर, लेकिन याद रख जन्म ते मरण की क्रिया मेरे हाथ में है। तेरा जन्म किस तरह होवे ये तू सोचना है, तेरी मृत्यु किस तरह होवे ये भी तू सोचना है, लेकिन फिर भी जन्म ते मरण मेरे हाथों प्रकट होगी, मेरे हाथों को उजागर होगी। सूक्ष्म शरीरों के नाल इस सारे का सारा ब्रह्मांड भरे हुआ है। यह तो एक पहेली है कि पहले बीज सी कि पहले फल सी, पहले मुर्गी सी कि पहले अंडा सी, बड़ी चर्चा है तार्किक लोगों की दुनिया में। यह बड़ा वावेला है और वो किसे पक्ष से पहुंचे हम ऐसा भी दिखाई नहीं देता, लेकिन जे ये मन ली है बीज तो बिना कुछ भी नहीं, तो चलो पहले बीज, क्योंकि रोज की प्रक्रिया जो सामने घटित हो रही है वो यही है कि पहले ऐसे बीज बोंदे हाँ, बीज ही फल तक अपड़ता है। जो रोज असी कर रहे हैं, जो रोज असी देख रहे हैं, उसे नु आधार बना के इस कथा नु अगे तो रही है, तो बीज पहले, बीज मूल विच, बीज प्रथम है। सूक्ष्म शरीर एक बीज है, सूक्ष्म चेतना एक बीज है, और ये बीज भी ऐसा है कि बारीक तो बारीक खुरदबीन नाल भी वेखना बहुत कठिन, बहुत कठिन। इन्हों संत जनों ने अध्यात्मक दृष्टि नाल ते देखे है, बल्कि इस भौतिक दृष्टि नाल अज तक कोई बड़े तो बड़ा वैज्ञानिक भी नहीं देख सकिया। हालांकि चेष्टा है, कोशिश है कि इस सूक्ष्म ढांचे नु देखिए। अस्थूल नु जब जला दिता जांदा है, दफन जाता कर दिता जांदा है, ये जो सूक्ष्म दी चर्चा है एक ही है। इनु जानने की कोशिश अपने ढंग नाल दुनिया दे सियाणे कर रहे ने, पर जिस ढंग नाल वो जानने की कोशिश कर रहे ने, धर्म कहिंदा है इस ढंग नाल जान नहीं सकणगे। जानना, समझना, वेखना ओदे लई अध्यात्मक दृष्टि चाहिदी है। तो अध्यात्मक दृष्टि ने जिस ढंग नाल इस सूक्ष्म शरीर दी जीवन यात्रा वेखी है, वो ते यही है, ते चक्कर दे चले, ये ते गर्दिश दे चले। गर्भ दे विच जिस दिन प्रवेश है, जिसनू आम जगत विच कह देते हैं कि वीरिये दा प्रवेश है, नहीं, यही मनुख दा जन्म है। ठिकाना मिल गया है, स्थान मिल गया है, गोद मिल गई है, कुख मिल गई है। और जैसी ये कुख है, वैसे इस बीज ने प्रफुल्लित होना है। बीज दा हो जाना फल दा सूक्ष्म रूप दा जन्म है, और बीज कुख दे विच पहुंच चुके है। हुण कुख ने इस बीज नू अपने ढंग नाल प्रफुल्लित करना है, अपने विचार, अपना आहार वो इस बीज नू प्रभावित करेगा। मां दे विचार, मां दी सोचनी, मां दी जीवन क्रिया, मां दा आहार, मां दे विचार ये इस बीज लई खाद ने, पानी ने, इस बीज लई सब कुछ है जो कि एक बीज नू फल तक पहुंचने लई चाहिदा है। ये मां तो प्रदान होता है। यही कारण है किसी मनुखी दुनिया च देखते हाँ, जो मां की खिच है, जो मां की कशिश है, उतनी कशिश पिता लई नहीं है। बल्कि कई दफा मनुख गुजरे पिता का स्वरूप भी भुल जाता है, लेकिन अंतिम समय तक भी मां का स्वरूप चेते आता है। मां गहराइया च उतरी हुई है। कारण इस बीज ने प्रथम जो संबंध जोड़िया सी, इस बीज का सब तो प्रथम जो रिश्ता जुड़िया सी, उसनु मां ही कहते हैं। पहला संबंध, प्रथम संबंध मां है। शायद इस वास्ते इस्लाम दे बानी मोहम्मद साहब ने फरमान कर दिता सी कि ऐ बंदे मां दे कदमां विच जन्नत है।
जन्नत दी तू झलक देखनी है तो जरा मां दे कदमां दे तले दी खाल अपने मस्तक ते ला ले। तू कदी सोच भी नहीं सकदा कि रूहे जमीन ते एक बिजली कोई इतनी भी कुर्बानी कर सकता है जो मां ने कीती है, एक बीज लई जो धरती कर दी है। शायद साडे देश विच धरती पूजन भी इत्थों ही चले। धरती मां, गुरु नानक देव जी महाराज भी धरती नूं मां कहिंदे ने, माता धरत महत। किसी ने मकान बनाना है, किसी ने धरती दे घर चलाना है। अज भी साडे दर्श देच, अज भी साडे देश विच व्यापक रूप दे धरती पूजन हुंदा है। मां है, मां दी गोद विच असी अपना एक महल खड़ा कर रहे हैं। इहदी पूजा करिए, इहनूं संभाल के रखिए और इहदे विच असी सुख नाल रह सकीए। मां दी गोद विच एक अस्थूल बीज जिता जा रहा है, इह फल तक अपड़े। मां मेहनत करे, मां मुशक्कत करे, मां कुर्बानी करे, मां अपनी जीवन सत्या देवे। जिहड़ा बीज बार बार धरती विच प्रफुल्लित हुंदा है ते फल तक अपड़दा है, वह पता नहीं कितनी धरती की सत्या खिंचदा है, पता नहीं कितनी धरती की शक्ति समेटदा है। ते ममता दी मारी ये धरती पता नहीं कितनी शक्ति इस बीज नूं दे देंदी है, कितनी समर्था दे देंदी है। अपनी समर्था, अपनी शक्ति ही दे देनी है। इस तों वड्डा कोई दान नहीं, कोई दान नहीं। बीज दे उत्ते सब तों वड्डा दान धरती दा है। अगर धरती दी पूजा है तो जायज है। एक मनुखी बच्चे देते सब तों वड्डा दान मां दा है। अगर मां दी पूजा है तो उहदे जन्नत जो है जन्नत उसके कदमां विच है, तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अपनी सत्या उसने बीज नूं दित्ती, अपना सलाह उसने अपने बीज नूं दित्ता, अपने आहार लई भी उसने ऐसा ही सोचिया कि उस बीज नूं कीड़ा आहार लाभकारी होगा। उसने अपने लिए आहार संबंधी सोचना भी बंद कर दिता और सोच दिए उस बीज लिए। रूप चंगा निखरे, रंग चंगा निखरे, स्वभाव चंगा पैदा हुए, किरदार चंगा पैदा हुए, उसकी ये सारी कुर्बानी। ये ठीक है कि धरतियां किधरे किधरे बंजर भी होंगी, और बंजर धरती दे भी कुछ पैदा होता है, पर घास या बबूल। ये ठीक है कि कुछ मामा बंजर जमीन है, सही धरती नहीं है, पथरीली नहीं, लेकिन पथरीली धरती भी कुछ ना कुछ तो पैदा करती है। चलो घास ही सही, कोई कंडियाले दरख्त ही सही, जिन्हों उन्होंने कोई फल नहीं लगते, पर कंडे वाड़ दे कम ते आ जाते, रखवाली दे कम ते जो है आ जाते हैं। फिर भी बंजर जमीन दी कुछ देन है, पर दानता दे योग है, पूजन योग है उस जमीन जो गुलाब दे फुल्लां नूं जन्म दे रही है और चंदन दे वृक्षां नूं जन्म दे रही है, केसर नूं प्रफुल्लित कर रही है और समग्र जीवन लई अन्न पैदा कर रही है, धन पैदा कर रही है। धन है ये धरती, धन है ये मां। जिस दिन वीरिया ने कुख दे प्रवेश किया है, बस यही मनुख का जन्म दिया है। किस दिन किया है, कदों किया है, ये परमात्मा नु पता है। हुण जन्म ते हो गया है, इस बीज का मरण कदों होगा ये भी परमात्मा नु पता है, ये भी ईश्वर नु पता है। बीज का कुख दे प्रवेश करना कुछ दिन बाद मां नूं अनुभव हो जाता है, प्रथम नहीं, उन्हों भी कुछ दिन बाद पता चलता है। ते अब गहरे तो गहरे विज्ञानक भी पकड़न की कोशिश करते पे ने, पर वो आदि काल नूं पकड़ नहीं सके। इस बीज की इब्तदाई यात्रा नूं पकड़ नहीं सके। एक कद कुख दे जिसने प्रवेश किया, कद इसका यह जन्म होया, कद इस ये जो है रूपांतरित होना शुरू होया, लेकिन ईश्वर नु पता है।
जैसे कुछ दिना बाद परमात्मा तो बाद पता चलता है मां, फिर बाद विच पता चलता है पिता, फिर बाद विच पता चलता है संसार, प्रथम ईश्वर, दूजी मां, तीसरा पिता, चौथा संसार। पूजन योग है वो ईश्वर जिसनू सब तो पहले ज्ञान है पता है, पर धनता दी योग है वो मां जिसनू अपने आप तो पता चलिया है, प्यो नू ते मां तो ही पता चलिया है, प्यो नू अपने आप तो कोई पता नहीं चलिया। इस वास्ते पिता दी जानकारी अपनी नहीं है, उधार जानकारी है। पिता दे कोल जो ज्ञान है वासा ज्ञान है, पर उठा ज्ञान है, पत्नी तो मिलिया ज्ञान है, पर पत्नी नू मां जो बच्चे दी होंद दा अनुभव होया वो स्वयं होया अपने आप तो होया अंदरों होया है, और पिता नू पति नू पत्नी तो पता चली है, मां ने दसी जी कि मेरी गोद आ रही है, मैनू ऐसा महसूस हो रहा है, मेरी गोद मैनू दस रही है, मेरी कुख मैनू दस रही है। तो उसका कहना उसका दसना यही पति दी जानकारी बनी है। इस वास्ते पति दी जानकारी उधार है। अज भी जिहड़ी सभ्य कौमां ने सियाणियां कौमां ने वो मनदियां ने कि पति दी सारी जानकारी उधार है, स्वयं दी नहीं है, अपनी नहीं है, और पति दा पति होना भी एक एक्सीडेंटल है और कुछ नहीं है, वक्ती संबंध है, पिता दा एक वक्ती आरजी जो है संबंध है। यही कारण है कि अक्सर जिथे ये दुनियावी रिश्ते टूटते ने, पुरुष अपने होर घर वसा लेंदे ने, लेकिन स्त्रियां उन्हां बच्चियां दे उत्ते अपनी सारी जवानी ते जीवन कुर्बान कर देंदियां ने, निछावर कर देंदियां ने। जिस बीज नूं अंदर परवरिश दित्ती है उस बीज दा हुण तणा बणिया है, हुण पत्ते बणे ने, अजे फल तक कपड़िया नहीं, इहनूं छोड़ दे नहीं, वो अपना सारा जीवन वो अपनी सारी जवानी कुर्बान कर देनी है। ये कुर्बानी पुरुषों को नहीं देखी, इस वास्ते मां पूज बन गई, मां श्रेष्ठ बन गई। जद भी कोई ठोकर लगे, जद भी कोई चोट लगे, अचन चेत गहरे तल दे चो मां निकल जाती है, प्यो नहीं निकलता, पिता नहीं निकलता, या फिर निकलता है हे ईश्वर, हे राम, हे वाहिगुरु, हे अल्लाह। ये दो ही संबंध ने बड़े गहरे, चोट लगी है गहरी चोट लगी है, कोई मुसीबतां दा पहाड़ अचनचेत आण लगे है, अल्लाह वाहिगुरु राम अचनचेत निकले है, या फिर निकले है मां, वही मां ये निकले है, वही पिता ये कोई भी नहीं कहता। कारण ये दो ही ते गूढ़े संबंध ने, ये दो ही ते महान संबंध ने। एक ने जीवन दिता, एक ने जीवन नूं परवरिश कीता, पालिया ते पोसिया। ये दो ही ते महान ने, ईश्वर और मां, या इंज कह लो ईश्वर दा अस्थूल रूप वेखना है ता मां दे च वेख लईए, मां दा सूक्ष्म स्वरूप वेखना है तो ईश्वर दे च वेख लईए। अगर कोई ईश्वर दा अस्थूल स्वरूप इस जगत दे च हो सकदा है, उदी अस्थूल मूर्ति कोई जमीन ते हो सकदी है, तो फिर वो मां है, और किसी पत्थर दी मूर्ति दी लोड़ नहीं, और किसी आकार दी लोड़ नहीं। मां नूं वेख लिया तो कह दिता हां ईश्वर तो ऐसा ही होवे, तू इतना ही दयालु होवेगा, तू इतना ही कुर्बालू होवेगा, तू उतना ही अपने बच्चियां लई कुर्बानी करदा होवेगा, तू इतना ही वेख के पंडित करदा होवेगा जैसे के मां, तू इतना ही पदत पावन होवेगा जैसे के मां। पापी तो पापी बच्चे लई भी मां अपना मन मैला नहीं करदी, अपराधी तो अपराधी लई भी ईश्वर अपना मन मैला नहीं करता।
दुष्ट तो दुष्ट बच्चे ले रही है। मां अपनी बावां पसार दी है, निखिद तो निखिद मनुख ले रही। परमात्मा ने अपने द्वार बंद नहीं किए, सदा पुकार दे, सदा जो है बुला रहे। एक गाथा है उर्दू की कहानी। एक दुष्ट पुत्र ने मां का कलेजा कट ले चीर के, हो जाता है कदी कदी इस तरह की दुर्घटना भी पृथ्वी ते घटित होती है। कलेजे विच मां पुत्र नू रखती है बहुत गहरे तल विच, उसके दिल का धड़कना दरअसल दिल की धड़कन नहीं पुत्र की याद है। उदे खून का चलना, उदे खून का चलना नहीं उदे पुत्र का चलना है। उसकी अखां विच भी उसका पुत्र ही आता है, वो जिधर जिधर भी देखती है उन्हें अपना पुत ही दिखाई देता है। इस दुष्ट ने मां का सीना चीरे है, कलेजा कट ले है, भजिया जा रहा है किसी देवी की भेट करन, कौन दसे जीवदी जागदी देवी का कलेजा कट के तू होर केड़ी देवी नू भेट करन जा रहे है। और जिसनू तू शरीर विचो कढ़े है यही ते देवी सी, यही ते तेरी धड़कन सी, यही ते तेरी जिंद जान सी, यही ते तू सी। भजदा होया ठोकर खादी गिरन लगा, वो कलेजा बोल पिया संभल के चल पुत ठोकर ना लगे। सिसकदा होया वो कलेजा भी पुत्र लई भलाई ते दुआवां पिया करदा है, ए ईश्वर इनू सही ठिकाने ते पहुंचा, ये ठोकर ना खावे। मां जीवदी है पुत्र लई, मां मरदी है पुत्र लई। यही कारण है कि जद किसी स्त्री दी गोद हरी ना होवे, मां होण दा उसनू सुभाग ना मिले, उसका सब कुछ खो जाता है, उसका सब कुछ चला जाता है। एक बहुत वड्डा लकब, एक बहुत वड्डा खिताब जो प्रकृति दी तरफों उसनू मिलना सी, जो परमात्मा दी तरफों उसनू मिलना सी, नहीं मिले। घाट महसूस करती है, तड़प दिए, बिलख दिए। कहंदे ने ईश्वर अपना पैगाम घर घर तक पहुंचाने लई कुछ एक नु चुनदा है, जिन्हां नु चुनदा है उन्हां नु कहंदे ने अवतार, उन्हां नु कहंदे ने पैगंबर। परमात्मा अपना जीवन विस्तार करन लई अगर किसे नु चुनदा है तो फिर वो मां है। मां दे राहीं जीवन का विस्तार होता है, मां दे राही जीवन चलता है, फैलता है, दौड़दा है, पनपदा है, वधदा है ते फुलदा है। पैगंबर ते अवतार दी चोण तो बाद अगर ईश्वर दी कोई चोण है तो मां है। गुरु पीर पैगंबर दी देन तो बाद अगर जगत नू कोई सब तो वड्डी देन है उस परमात्मा दी, तो फिर वो मां है। इस वास्ते अगर श्रवण कुमार ने मां बाप नू ही भगवान जान के पूज लिया तो गलत नहीं है, सही है। उन्हें समझ आ गई कि अंधी मां है लेकिन मैनू जीवन सुजाखा दिता, अंधी मां है लेकिन अंधी होंदिया होया भी मेरी जिंदगी दे रोज उजाला करती रही, मेरी जिंदगी दे रोज रोशनी करती रही। जैसे उसने मां दे परोपकार नू वेख्या, मां दी कुर्बानी नू वेख्या, उन्हें अपना मस्तक मां दे कदमां ते रखिया, ते जिस दिन मां दे कदमां दे उते उसने अपना मस्तक रखिया, मां दे कदम मंदिर बन गए, मां दे कदम एक धार्मिक स्थल बन गए। बाद विच सारा जीवन उसने मां बाप दी प्रस्तिथ दे जो है व्यतीत कीता। अगर कोई पुरुष एक गुरु पीर पैगंबर दी प्रस्तिथ करता है परमात्मा उसते खुश होता है, यकीनन मां दी प्रस्तिथ नाल
परमात्मा लाजमी प्रसन्न होता है, लाजमी खुश होता है। सो मां अवतार तो बाद, पैगंबरां तो बाद महान है। ओ महान मां है, और उतनी ज्यादा महान है जो जितनी महान चेतना नु जन्म दे। कोई मां कितनी वड्डी है, कितनी वड्डी है, कितनी वड्डी है। जैसे के अवतारां दे दर्जे ने, कोई दो कला संपूर्ण अवतार है, कोई चार कला अवतार है। श्री राम बारे कहिंदे ने 14 कला अवतार ने, श्री कृष्ण बारे वो 16 करण संपूर्ण अवतार ने। किसी च एक कला, किसी च दो, किसी च तीन, किसी च चार, किसी च पांच, किसी च 14, किसी च 16। अगर अवतारां दी एक कोठियां ने तो फिर मावां दी भी कोठियां ने। अगर अवतारां दे ए दर्जे ने तो फिर मावां दे भी दर्जे ने। प्रथम कोटी दी मां, द्वितीया श्रेणी दी मां, तृतीया श्रेणी दी मां, चौथी श्रेणी दी मां, इस तरीके नाल गिनती करी दे जाइए तो ए दर्जे हजारां बनदे ने। जैसे धार्मिक दुनिया दे दर्जे हजारां बनदे ने। सिर्फ 16 कला तक नहीं, कोई 20 कला, कोई 25 कला, कोई 50 कला, कोई 100 कला। उंज ते एक कला भी अपने आप विच बड़ी महान है। जो दो चार कला दा ज्ञानी है, बहुत वड्डी गल है, बहुत वड्डी गल है। तो भगतां दे, संतां दे अपने अपने ढंग दे दर्जे ने। इस दे कुल कला ते है पर एक, इहदे कुल सिद्धि ते है इक, इहदे कुल कला ते हैं पर चार ने, इहदे कुल कला ते है 16। ते जे अवतारां दीआं ऐसीआं कोटियां ने जगत विच, मावां दी ऐसीआं कोटियां ने, इह गल वखरी है कि अवतारां दी कोटी नूं धार्म मंदरां विच समझिया जांदा है, समझाया जांदा है। मां दी कोटियां नूं ना समझिया जांदा है, ना समझाया जांदा है। यही कारण है कि जगत नूं पूरा ज्ञान नहीं, जगत दे कोल पूरा बोध नहीं है। गुरु नानक देव जी महाराज ने इस संबंध विच जिहड़ी विचार जगत दे सामने रखी है, ओह है कि कुछ एक त्यागियां ने गुरु नानक देव जी महाराज दे सामने एक प्रश्न रखे सन कि इस्त्री नरक द्वारी है, लिहाजा इस्त्री दा चित्र वेखना भी पाप, साकार रूप विच वेखना ते पाप है, ही दोष है। कागज संधि उतरी तो भी त्रिय ना निहार, यही मार ले जावई यथा विलोचन धार। भगत छज्जू लाहौर दे मान श्रेष्ठ ब्रह्म ज्ञानी संत, जो गुरु अर्जन देव जी महाराज दे समकाली ने, आप कहिंदे ने साकार रूप विच स्त्री दी ते गल एक पासे, स्त्री दा चित्र भी ना वेख, वेखदे आं तू नरक विच जाएगा, वेखदे आं तेरे अंदर कामना जागेगी, भावना नहीं, और फिर तू गर्दिश विच पै जाएगा, चक्कर विच पै जाएगा। इस तरह दे अनेकां संत जना ने, ऋषि मुनिया ने नारे लाए, ए नरक द्वारी है। भाई साहब भाई गुरुदास जी अपने एक वाक विच कहंदे ने, लोक रीत गुण ज्ञान विच अर्ध शरीरी मोख द्वारी। इते मोख द्वारी है, इस्त्री तो बिना ते मुक्ति प्राप्ति नहीं हो सकती। इस्त्री चाहिदी है, प्रथम प्रकृति देंदी है मां दे रूप विच, दूसरी चाहिदी है पत्नी दे रूप विच, तीसरी चाहिदी है पहन दे रूप विच, और इना तिना दे चों एक दिवी घाट है, जीवन अधूरा है, और वो अधूरापन महसूस करेगा, लाजमी करेगा, या इंज कह लो बेचैनी उसकी दूर होवेगी नहीं। ये तीन संबंध चाहिए ने, मां पत्नी भैन। अज दे मनुख विज्ञानक ते इंज कह रहे ने कि अगर कोई लड़का लड़की दी तलाश कर रहा है, नहीं वो अपनी मां नूं ही लभ रहा है। एक गल वखरी है, हुण उसदा रूप पत्नी होवेगा, पर हुण वो उस तरह दी ममता, उस तरह दी देखरेख, उस तरह दी हमदर्दी, उस तरह दा प्यार चाहता है जो उसनूं मां तों मिले। एक गल वखरी है कि हुण रिश्ते दा रूप बदले है, लेकिन चाहता उही प्यार है, चाहता उही गोद है, चांदा ओही तड़प है, चांदा ओही कुछ है
कि जद जरा मैं दूर होंदा सी मां तड़पदी सी ऐसी पत्नी चाहिदी है जो मेरी दूरी दे नाल तड़पे। मां बाद विच खांदी सी पहले पुत नूं खिलांदी सी ते पुत दे खिलाण दे नाल तृप्त होंदी सी खुश होंदी सी। इस तरह दी पत्नी दी तलाश गहरे तल विच ते देखिया जाए पत्नी दी तलाश नहीं मां दी तलाश है। शरीरक रूप दे विच पत्नी दी तलाश है सुभाव दे विच मां दी तलाश है। और कहिंदे ने धन हो गया उस मनुख दा जीवन जिसनु पूर्ण रूप दे विच किसी दिन पत्नी दे विच मां दिखाई दे जाए। कहिंदे ने संत हो गया इहदा जीवन सफल हो गया इते महान हो गया इते समर्थ हो गया पत्नी मां बन गई। कहिंदे ने हां इस तरह होया है। स्वामी राम कृष्ण परमहंस बंगाल दे श्रेष्ठ महात्मा एक दिन उन्होंने शारदा दे कदमां ते अपना मस्तक रख दिता। शारदा पत्नी सी हैरान हो गई सारे बंगाली सारा देश आपदे कदम छूंदा है आपदे कदमां दी खाक नूं मत्थे ते लांदा है। तुसी अपना मस्तक मेरे कदमां ते रख दिता है शारदा अज मैं धन हो गया तेरे च मैं मां नूं वेख लिया। मां दी पवित्रता मां दी शफकत मां दी हमदर्दी मां दी तड़पना मां दा कलेजा अज तेरे चेहरे दे च उभर के आया है। और अज जितनी तू मैनूं पवित्र लग रही है इतनी पहले कदी नहीं और अज जितनी तू मैनूं पूजन योग लग रही है इतनी पहले नहीं। इस वास्ते धार्मिक मनोचिंतक जिहड़े ने वो अज भी कहिंदे ने कि किसे भी संत नूं उसे दिन पूर्ण रूप विच संत कह दो जिस दिन उसनूं अपनी पत्नी दे च भी मां दी झलक मिले। हालात ऐसे होन कि मां दे रूप विच भी मां ना दिखाई दे रहे जीवन ते कुछ भी नहीं है पत्नी दे रूप विच मां मां दिखाई दे गई है जीवन धन हो गया है महान हो गया है। तो कुछ एक स्त्री त्यागियां ने गुरु नानक दे सामने ये प्रश्न रखिया सी कि स्त्री हर दौड़ विच पछड़ी हुई है ये चंगी लेखिका नहीं बन सकी कोई अवतार नहीं बन सकी ग्रंथकार नहीं बन सकी रहबरी पुरुष नहीं बन सकी और किधरे एक अद बनी भी है तो वो ना दे बराबर कुछ भी नहीं कदी ये बहु गिणती दे सामने नहीं आई। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने बड़े सादे लफ्जां दे इसका जवाब दिता है सो क्यों मंदा आखिए जित जमे राजा। इसकी आप किथे अवतार बने अवतार नूं जन्म देण विच उसका समा उसका जीवन ते उसकी सत्या लग गई। ये आप किते उच्च वद्दर दी जो है व्यापारी किस तरह बने किवें बने एक बहुत वड्डे व्यापारी नूं जन्म देण दे इस दी जीवन सत्या इस दा समा इस दी शक्ति खर्च हो गई। दुनिया दे जिहड़े चोटी दे पुरश ने चाहे वह व्यापार दे तल दे च ने चाहे वह राजनीति दे तल दे च ने चाहे वह धर्म दे तल दे च ने चाहे समाज के किसी खिते ने उन्होंने महानता दे 60% हिस्सा योगदान मां का है। उन्होंने योग्यता उन्होंने उन्नति उन्होंने अथाह प्रगति जे 60% मां के योगदान से खड़ी है तो यह पुरुष फिर तो 60% धनवाद भी मां का चाहिए है। व्यापार दे सफल हो गए तू धर्म दी दुनिया दे उन्नत हो गए तू राजनीति दे सफल हो गए तू समाज दे महान बन गए ते कदी धनवाद दे शब्द मां लई निकलदे नहीं ते इत्थों वड्डा होर केड़ा अकिरत घण होवेगा। ते बहुत वड्डी एहसान फरामोशी है। स्त्री कोई बहुत वड्डी चित्रकार संगीतकार दार्शनिक फिलोसफर भी नहीं बन सकी। उसका एक कारण कि दार्शनिक नूं चिंतक नूं चित्रकार नूं संगीतकार नूं जन्म देण दे उसकी जीवन सत्या ते
उसका समा लग गया। संगीत बारे सोचती रही, संगीत बारे विचारती रही। कुख दे जिहड़ा बीज सी विचार संगीत दे उसनूं मिलदे रहे, संगीत दी सोचनी उसनूं मिलदी रही। चित्रकारी बारे विचारी सोचती रही, बना ना सकी क्योंकि सारा समा एक चित्रकार नूं जन्म देण विच, सारी शक्ति एक चित्रकार नूं जन्म देण विच खर्च हो रही है। कुख दे जिहड़ा बीज है वह वड्डा तां ही हो सकदा है कि मां नूं छोटा करेंगे। मां नूं छोटा कीते बिना यह बीज वड्डा नहीं हो सकता। जो बीज नूं वड्डा करन लई आप छोटी हो जाए, कितनी वड्डी कुर्बानी, कितनी महान कुर्बानी, कदी किसी ने सोचे है? मां छोटी होंदी है, मां अपना खून, मां अपनी मिंज, मां अपना मास, मां अपनी चेतना, मां अपना समा, मां अपनी सोचनी, मां अपना खान पान, सब कुछ उस बीज तो निछावर कर रही है, कुर्बान कर रही है, सदके कर रही है। जो कुछ कोल है दे रही है, तो दे रही है, घट रहा है, आप छोटी हो रही है, बीज वड्डे हो रहे हैं। और जिस दिन बीज वड्डे होंगे, बीजा तो सदके होंगी है, कुर्बान जाती है, भावे आप छोटी हो गई है, पर गजब की गल वड्डिया देख के खुश पई होंगी है, फुली नहीं समादी। आम जगत दिच ते ऐसा देखे है, जद कोई वध जाए, वड्डा हो जाए, जगत जलदा है, औखा हो जाए, कुड़दा है। ये वड्डा क्यों हो गया? ये अग्गे क्यों वध गया? ये उच्चा क्यों हो गया? रूहे जमीन दिच अगर कोई प्रसन्न आंदा है, इक्को एक मां। बीज वड्डा हो गया, बीज महान हो गया, बीज प्रफुल्लत हो गया, कोई गल नहीं मैं छोटी हो गई हां, पर मेरे द्वारा एक बीज ते वड्डा हो गया। उस दियां सारियां खुशियां उस बीज तो निछावर, उस दियां सारियां उमंगा उस बीज तो निछावर। अगर कोई बहुत वड्डा चित्रकार बनया है, ओदे च मां दी सोचनी जो चित्र बारे वो सोचती रही, चित्रां नूं देखती रही, उस सूक्ष्म रूप दे च बीज नूं मिलदा रहा, एक बहुत वड्डा चित्रकार बन गया। दर्शन फिलसफा मां पढ़ती रही, सोचती रही, ये उस बीज नूं दर्शन ते फिलसफा मिलता रहा। फिर अपनी जीवन सत्या उसे बीज नूं देंदी रही। एक दार्शनिक दा जन्म होया, एक विचारक दा जन्म होया, एक चित्रकार दा जन्म होया, एक राजनीतिक दा जन्म होया। कुख दिच पिया है पर राजनीति बारे सोचती रही, हर वक्त सोचती रही मेरा बेटा राजा होवे। उंज भी हर एक दी मां उदी जबान तो निकलता है राजा बेटा, राजा बेटा। केड़ी मां है जो भिखारी बेटा वेखना चाहती है? कोई भिखारी बेटा नहीं वेखना चाहती, कोई मां नहीं चाहती भिखारी बेटा, हर मां चाहती है राजा बेटा। ते राजा बेटा आख के जो प्रसन्न होवे, राजा बेटा होण दियां जो दुआवां करे, राजा बेटा होण दी जो सारी कुर्बानी करे, ते बेटा जद राजा होवे ते मां नूं याद ना करे, मां दा धन्नवाद ना करे, इते बहुत वड्डी एहसान फरामोशी है। तू सोचिया ही नहीं, अजे तू कुछ सोचण जोगा भी नहीं सी। ए राजा बेटा तैनूं कहिंदी रही, दुनिया तैनूं मूर्ख कहिंदी रही, दुनिया तैनूं बच्चा कहिंदी रही, दुनिया तैनूं इयाणा कहिंदी रही, दुनिया तैनूं नादान कहिंदी रही। इस रूहे जमीन विच इक्को एक सी जो तैनूं महान कहिंदी रही, राजा बेटा। राजे नूं ते मत्था टेकीदा है, राजे नूं ते लोकी सजदे करदे ने, राजे दियां ते लोकी गुलामियां करदे ने। यकीन जान मां इस बच्चे दी तेरी गुलामी ही करदी रही, तेरी परिक्रमा करदी रही, सजदे करदी रही, निछावर होंदी रही, सदके होंदी रही। राजा बेटा सिर्फ आखदे ही नहीं रही, राजा बेटा तैनू मनदी रही है, आखदी रही है। यह गल वखरी है, कदी दुनिया ने तैनू राजा नहीं मनिया, राजे दे रूप च नहीं वेखिया। बच्चे नूं कौन इस रूप च वेखेगा? हां वेखती भी है, मनदी भी है, ते मां इसे नुक्ते नूं गहराई नाल लई है। लोग तो प्यो भी कई दफा कह देंदा है नादान है, भोला है, इयाणा है, ना समझ है। पड़ोसी भी कह देंदे ने, शरीक भी कह देंदे ने, आखिर बच्चा ही ते है, कोई महान थोड़ी है। मां दे मुंह निकलदा नहीं बेटा राजा है, महान
कहते राजा है, इस छोटे नो इतना वड्डा मनना, जीवन भर मनना, जिंदगी भर मनना। और फिर सड़े देश दे एक कहावत है कि समर्थ को नहीं दोष गुसाई, जो समर्थ है जो राजा है उसनु कोई दोष नहीं। मां कदी बच्चे दे दोष आज नहीं कर दी, राजा बेटा है समर्थ है ये दोषी हो सकता है, ये कलंकित हो सकता है। सारी दुनिया दी दृष्टि च भावे बच्चा कलंकित होवे, मां दी दृष्टि च नहीं है। गुंडे तो गुंडा है, दुष्ट तो दुष्ट है, कानून दी दृष्टि रे च भी ये दुष्ट है, संसार समाज दी दृष्टि रे च भी ये दुष्ट है, मां दी दृष्टि ते राजा बेटा है। इस तरह दियां धारणावां चूंकि मां दे गहरे तल दे च देखण नूं मिलदियां ने, यही कारण है कि सियाणे लोगां ने अगर ईश्वर तो बाद किसी नूं सजदा कीता है तां ओह है मां, ते जिसने नहीं कीता समझ लो अगर कोई मूर्ख है तो सब तो ज्यादा यही मूर्ख है। और मैं अर्ज करदा कि मोहम्मद साहब दे इह वाक भी पूर्ण सच्चाई दे उत्ते मबनी ने, ऐ बंदे तैनू जन्नत चाहीदी है तो जन्नत आसमान दे उपर नहीं मां दे कदमां दे थल्ले, तू थल्ले क्यों नहीं छात मारदा, इत्थे ही जन्नत है, इत्थे ही सुख ने, इत्थे ही आराम ने, इत्थे ही सारे सुख निदान ने। और कहंदे ने अगर कोई किसे लई दुआ करदा है तो मैं अर्ज करा कोई पंडित पुजारी किसे लई इतनी गहरी दुआ नहीं कर सकता, चाहे कितना किसे नूं दान दे दो, चाहे किसे कितनी संपदा दे दो, यज्ञ हवन करा लो, पूजा पाठ करा लो, कोई पुजारी कोई पंडित कोई ग्रंथी कोई अरदासिया इतने गहरे रूप दे किसे लई दुआ नहीं करेगा, अरदास नहीं करेगा जितनी के मां कर दी है। उदी अरदास हिरदे चो निकलती है, उदी प्रार्थना हिरदे चो निकलती है, उदी दुआ हिरदे चो निकलती है। अगर मैं कह दिया अगर दुआ कबूल भी होंदी है तो मां दी होंदी है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवास मगर रखती है, दिल दी गहराइयां चो निकली हुई ए अरदास इते आसमानां नूं हिला देंदी है। और ऐ मनुख अगर तू संपन्न है शादाब है और हर तरह दे धन संपदा नाल माला माल है, अंदरों बारों प्रसन्न है, ता समझ ये योगदान मां दा है, ये देन मां दी है, ये कृपा मां दी है, ये दृष्टि मां दी है। इस वास्ते बुलंद बांग होके गुरु नानक ने नारा लाया, सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजा, जिन्हें अपनी सारी जीवन सत्या राजे बेटे नु जन्म देने दे खर्च कीती है और राजा करके उसनु मने है, राजा करके उसनु पूजे है, राजा करके उस तो सदके हुंदी रही है, उसनु बुरा आखना ऐ सन्यासी ऐ त्यागी ऐ बैरागी, हो सकता है तेरी मां त्याग बारे सोचती रही होवे ते तू त्यागी पैदा होया, तेरे मां दा हिरदा बैरागी होवे संसार तो उपराम होया होवे, ईश्वर चिंतन करती रही होवे ते ओ बैराग दियां तरंगा उस बीज दे च अंकुरित होईयां ने, तू बैरागी बन गया, तू दार्शनिक बन गया, तू फिलोसफर बन गया। जरा सोच ते सही, तू अपने आप दे च फिलोसफर नहीं, इहदे च मां दी देन है, तू अपने आप दे च त्यागी ते बैरागी नहीं, इहदे च मां दी देन है। इस वास्ते ईश्वर तो बाद अगर सन्मान सत्कार है सही मायने च तां ओ मां है, केवल मां है, इस दे होर अनेकां पहलू ते जीवन दा विस्तार गुरु नानक देव जी महाराज ने जिस ढंग नाल बयान कीता है, मैं इस नूं अगे तोरन दी कोशिश कर रहा हां।